अगर आप सत्ता में आएंगे तो आपका क्या नजरिया होगा? मेरी व्यू है कि जो महिला पहनना चाहती है वो उसके ऊपर है। राहुल को गुलाब देती ये छात्राएं। राहुल की इन छात्राओं से अब बातचीत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में राहुल से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की एक छात्रा सवाल पूछती है। इसके बाद राहुल ने जो जवाब दिया वो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल सवाल राहुल से ये था कि अगर वो देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो देश में महिलाओं के हिजाब पहनने को लेकर उनकी क्या राय है। इस पर राहुल ने क्या जवाब दिया वो काफी दिलचस्प है, सुनिए। सर, अगर आप सत्ता में आएंगे, अगर आप प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो आपका क्या नजरिया होगा कि एक औरत अबाया और हिजाब पहनकर फ्री नहीं फील करती है? क्या अबाया और हिजाब उतार देखिए, मेरी व्यू है कि जो महिला पहनना चाहती है वो उसके ऊपर है। अगर वो अबाया पहनना चाहती है, कुछ और पहनना चाहती है, वो उसका बिजनेस है, उसका काम है, उसको अलाउ करना चाहिए। मेरी तो ये राय है। What you wear is your responsibility and your decision. I don't think anybody else should be deciding it. राहुल ने अपने बयान में साफ कहा कि महिलाएं जो भी पहनना चाहती हैं वो पहनने का उनका पूरा अधिकार है। ये पूरी तरह से महिलाओं पर निर्भर करता है कि वो क्या पहनना चाहती है। किसी और को ये तय नहीं करना चाहिए कि आप क्या पहनेंगे और क्या नहीं। अब राहुल का यही बयान लोगों को खूब पसंद आ रहा है। इस वीडियो को राहुल गांधी के यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम अकाउंट से भी शेयर किया गया और लिखा गया, हिजाब, हॉस्टल और हिस्सेदारी। शिक्षा हक और अभिव्यक्ति को लेकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की छात्राओं के साथ एक दिलचस्प चर्चा हुई। भारत की महिलाओं को उनके आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों के प्रति जागरूक कर उन्हें मुख्य धारा में सम्मिलित करना हमारा कर्तव्य है और एक प्रगतिशील भारत की जरूरत। बता दें कि हिजाब का मुद्दा जनवरी 2022 में पहली बार सामने आया था जब कर्नाटक के उडुपी में एक सरकारी प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज में कुछ मुस्लिम छात्राओं को कॉलेज में हिजाब पहनने से रोक दिया गया था, उनको प्रवेश जो है उनका वंचित कर दिया गया था। इस घटना के बाद पूरे देश में एक बड़े लेवल पर विरोध प्रदर्शन हिजाब को लेकर देखने को मिले थे। अब जब राहुल अलीगढ़ पहुंचे तो यहां राहुल ने छात्राओं से शिक्षा हक और अभिव्यक्ति जैसे मुद्दों पर बातचीत तो की ही। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक छात्रा ने राहुल से असम में NRC को लेकर भी सवाल पूछा। इस सवाल पर राहुल गांधी ने कहा कि BJP देश में कानूनों को हथियार बनाकर उनका इस्तेमाल कर रही है, वो भेदभाव की राजनीति कर रही है और इससे किसी का भला नहीं होगा। लॉट ऑफ पीपल हु आर ऑलरेडी नेटिव टू असम, दे स्टिल हैव नॉट देयर नेम्स रजिस्टर्ड इन द NRC एंड दे लैक देयर आधार कार्ड्स एंड व्हिच इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइक गेटिंग एन एडमिशन इनटू मेनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, लाइक आधार इज मैंडेटरी। तो इट्स लाइक एज अ थर्ड पर्सन, इवन माई आई हैव दिस वन फ्रेंड, शी एक्चुअली कुडंट लाइक शी लॉस्ट लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज बिकॉज ऑफ द मैंडेटरीशन ऑफ द आधार कार्ड एंड शी डिडंट हैव इट बिकॉज इवन दो शी वॉज नेटिव, इवन दो हर पेरेंट्स हैड द नेम्स रजिस्टर्ड, शी वाजंट रजिस्टर्ड इन NRC। आई थिंक व्हाट द BJP इज डूइंग with all this NRC and all is the same thing, which is weaponizing laws and to purposely incite people and to purposely discriminate against people. I'm against that. बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर निकले हुए हैं और इस वक्त उनकी ये यात्रा उत्तर प्रदेश में मौजूद है, जहां उन्होंने देश की प्रसिद्ध अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की ओर रुख किया और छात्राओं से बातचीत की। बता दें कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल हुए थे, जिसके बाद दोनों नेताओं को लेकर चर्चा ये हुई कि दोनों की जो अलायंस है वो और भी ज्यादा मजबूत होने वाला है और लोकसभा चुनावों के लिहाज से दोनों जो नेता हैं, दोनों जो दल हैं, सपा और कांग्रेस, अलायंस के अंदर ही चुनाव लड़ेंगे लोकसभा का। अब देखना होगा लोकसभा के लिहाज से राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा कितनी महत्वपूर्ण साबित होती है। न्यूज़ तक ब्यूरो।